हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं मैथमेटिक्स मेंटर आपका दुर्गेश तिवारी, और क्लास 12th में इस समय हम लोग इंटीग्रेशन के लेक्चर कर रहे हैं, और लेक्चर नंबर 11 की बारी है। और इसमें हम लोग एक मैं चीज और ऐड कर देता हूं, दैट इज अ पार्शियल फ्रैक्शन। आज का जो लेक्चर बच्चे वो है पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड। इस टॉपिक का नेम है पार्शियल फ्रैक्शन। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए, तो इस टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए आप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। एक चीज अच्छा, अपने को ये तो पहले से ही क्लियर है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये चीज पहली चीज तो। अच्छा, इसमें कुछ चीजें मैं और ऐड कर देता हूं क्या, जैसे अगर मान लीजिए नहीं है तो अदरवाइज आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं पी एक्स प्लस क्यू होल अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर डिनोमिनेटर बेटा लीनियर फैक्टर्स हैं, जैसे x प्लस ए, x प्लस बी, 2x प्लस 1, 2x प्लस 2, इस तरीके की चीजों की बात करी जा रही है, तो जैसे px प्लस q है तो ये लीनियर फैक्टर है, तो इसके ऊपर सिंगल अल्फाबेट आएगा, यानी a अपॉन x प्लस ए प्लस b अपॉन x प्लस a upon x plus b upon x plus b। अच्छा, ऐसे ही मान लीजिए एक और आ जाए px plus q whole upon x plus a x plus a into x plus b into x plus c। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, इसके ऊपर सिंगल अल्फाबेट आएगा, यानी a अपॉन x प्लस a b अपॉन
प्लस बी सी अपॉन एक्स प्लस सी। अच्छा इसी में दो चीजें और ऐड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए स्क्वायर वगैरह हो जाए, जैसे लिखा हुआ पी एक्स प्लस क्यू होल अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये क्यूब होता तो एक और आगे चला जाता डी अपॉन एक्स प्लस बी का होल क्यूब। इसके बाद ये आएगा पी एक्स प्लस क्यू होल अपॉन मान लीजिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, और ये बड़ा कुछ ऐसा है कि इसके फैक्टर नहीं हो रहा, नॉन फैक्टर है केवल। इंपॉर्टेंट फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। एक बार आप इसको नोट करिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया इसको कैसे ट्राई करेंगे ये समझिए, थोड़ा सा स्पेशल भी है। इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, यहां पर दिया गया 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, इसके ऊपर आएगा सिंगल अल्फाबेट a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। अब एलसीएम अगर लिया जाए तो क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो यह आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 होल अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये दो पार्ट हमारे कैंसिल हो जाए क्योंकि इनका तो कोई मतलब नहीं रहा, ये। अच्छा देखिए कई बार बोर्ड्स में इस तरीके सिखाया जाता है कि पार्शियल फ्रैक्शन जब आप करो और जब ए और बी की वैल्यू को निकालने की बात आती है तो वहां पर हम लोग करते हैं कंपैरिजन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों तरफ इस तरीके से कंपेयर चलता है। इन हम आपको एक यूनिक टेक्निक सिखाएंगे उस अप्रोच को फॉलो करके हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे इधर तो 1 है, ये आ गया ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। अगर आप इसकी बात करें तो यहां पर x वैल्यू क्या है माइनस 2, यहां पर आएगा माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 0, b माइनस 2 प्लस 1 यह आ जाएगा माइनस 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 x की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दीजिए आप जो कि यहां है, तो क्या आएगा यहां पे 1 आएगा a माइनस 1 प्लस 2 और ये 0 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब
देखिए ए की वैल्यू आ चुकी है, बी की वैल्यू आ चुकी है, जैसे ए और बी की जो वैल्यू है वो उसको यहाँ पर पुट करना होता है इक्वेशन नंबर वन में। देखिए हम इसको अब तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते इसको, लेकिन अगर अलग अलग स्प्लिट कर दिया तो हम लोग इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वन और बी, ए और बी की वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटीग्रेट डीएक्स, इंटीग्रल वन अपॉन एक्स प्लस वन डीएक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू डीएक्स, यह आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस टू प्लस सी, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, यही हमारे लिए आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ये क्वेश्चन आज को बिल्कुल इसी तरीके का, कुछ भी स्पेशल नहीं है, करने का मेथड वही होगा, अप्रोच वही होगी। क्या है क्वेश्चन? एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ऊपर से भी नहीं मतलब है हमें, केवल डिनोमिनेटर से मतलब है कि क्या है, तो लीनियर फैक्टर इसमें सिंगल अल्फाबेट आएगा, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और आएगा क्या एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन, ये चीज आएगी। अब एक्स इक्वल टू एक बार माइनस वन पुट किया जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस वन इक्वल टू ए माइनस वन प्लस टू, बी की जगह तो जीरो आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन, एक्स इक्वल टू सॉरी वन आएगा माइनस वन प्लस टू, हाँ तो इस तरफ तो माइनस वन ही, एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करी जाए यानी कि यहाँ पे माइनस टू ये जीरो आ जाएगा बी माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन, तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का टू। ए और बी की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ए और बी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दें और देखें फिर क्या आएगा, तो क्या आएगा देख लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर वन हमारी, ये प्लस का टू हो जाएगा, ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटीग्रल डीएक्स प्लस, और बी की वैल्यू कितनी टू, टू को बाहर कर सकते हैं हम लोग वन अपॉन एक्स प्लस टू डीएक्स माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस वन प्लस टू लॉग एक्स प्लस टू प्लस का सी, यही आंसर आ गया, नोट कर लीजिए इसको। एक ये x अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, देखिए ये जो चीज आप देख रहे हैं x अपॉन x माइनस वन और x माइनस टू बिल्कुल सेम, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया है इसलिए मैं आपके लिए वर्क छोड़ रहा हूं, डू योर सेल्फ। आपको इसको खुद से करना है ट्राई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये थोड़ा सा स्पेशल है, पहली चीज इसमें आप देखिए कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो मेथड ये है कि आप इसमें जो भी चीजें दी गई हैं आप उनको अलग अलग करें एक जैसा बनाए। तो चलिए पहले तो डिवीजन की बात कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये रहेगा बेटा वन टाइम, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स होल अपॉन माइनस प्लस माइनस, ये वाला पार्ट तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा उसकी बात कर लेते हैं। ये आ जाएगा फाइव एक्स माइनस का फाइव, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। अच्छा लिखने का तरीका क्या होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, तो कोशेंट है वन, रिमाइंडर कितना है फाइव एक्स माइनस वन अपॉन डिवीजर एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का सिक्स डीएक्स होल इंटीग्रेशन, तो
तो 1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा dx प्लस 5 x माइनस 1। बच्चों ये बहुत टफ नहीं है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को इंटीग्रेट करना, ये हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं ये वाला फैक्टर। तो ये हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए x माइनस 2 और x माइनस 3। dx ये चीज 1 का आ जाएगा x प्लस 5 इंटीग्रल x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 dx। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। इसको पहले तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, क्योंकि ये बिना पार्शियल फ्रैक्शन के सॉल्व होने वाले उसने नहीं है। इसको पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन इसका करना पड़ेगा x माइनस 1 वाले पार्ट का। तो कैसे करेंगे देखिए, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 b अपॉन x माइनस 3। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 b इंटू x माइनस 2। अच्छा ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो जाएगी। इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद इस प्लेस पे पुट कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा, x के प्लेस में पहले तो 3 पुट करें, 3 माइनस 1 इक्वल ये तो 0 हो जाएगा, b 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1। तो यहां से जो b का डेटा हमें मिलेगा, b की वैल्यू क्या मिलेगी, 2, x की वैल्यू आएगी फिर 2, यहां पे क्या जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, ए 2 माइनस 3 माइनस 1, ए की वैल्यू माइनस 1, ए और बी की वैल्यू आ गई। ए और बी की वैल्यू को हम लोग यहां पुट कर लेते हैं, माइनस 1 इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन x माइनस 3 dx, माइनस का लॉग ऑफ एक्स माइनस टू प्लस टू लॉग एक्स माइनस थ्री। इन डेटा को यहां पुट कर दिया गया, एक्स प्लस 5 माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस टू प्लस टू लॉग x माइनस 3 प्लस का सी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिंपल सा पार्ट आपको लॉजिकली आपको यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। बस ये चीज को याद रखेंगे कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन द, ये इक्वल भी नहीं हो सकती है, अगर इक्वल भी है तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। इस चीज को याद रखें, मैं लिख देता हूं इस बात को कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और इक्वल पॉसिबल नहीं है। अब जैसे इस वाले केस की बात करें तो यहां तो न्यूमरेटर ही बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो आप पॉसिबिलिटी ही नहीं क्या इसको सॉल्व करवाओ बिना डिवाइड के। तो डिवाइड तो पहला काम तो ये है कि डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि आप यहां पे ये करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। यहां पर एक्स लिखा जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स माइनस प्लस, ये पार्ट कैंसिल तो 2x प्लस 1। लिखने का तरीका पता है, ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, तो ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 1 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx। वैसे तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा प्रीवियस एक्सरसाइज में चला गया, क्योंकि उससे भी आसानी से हो जाएगा, तो उसी से कर देते हैं। इंटीग्रल x dx इंटीग्रल
2x upon x square minus 1 dx plus 1 upon x square minus का 1 dx, x क्या हो जाएगा x square by 2 plus x square minus 1 को t लिया, इसका derivative क्या 2x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, ऊपर आ जाएगा dt upon में t plus 1 upon 2 log of x minus a whole upon x plus a plus का c, t की वैल्यू डाल देंगे log t जब करेंगे तो x square by 2 1 upon t का log t, log t t की वैल्यू कितनी x square minus 1 plus 1 by 2 log of x minus 1 whole upon x plus 1 प्लस का सी नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ चुका है यहां पर, देखिए डिग्री सेम है, मैंने क्या कहा डिग्री छोटी ही होनी चाहिए, सेम भी काम नहीं करेगी, सेम भी है तो भी गड़बड़ है, मान के चलिए। तो सबसे पहला काम तो आप यही कर लीजिए कि माइनस को कॉमन करिए तो ये x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, जिससे हम लोग को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, यहां पे माइनस कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस का x होल ऑफ dx, ये माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का x dx, 2x स्क्वायर माइनस का x इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पे सबसे पहला काम तो हमें लिखना पड़ेगा 1 by 2, तो 1 by 2 जब इसमें करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस x by 2 आ जाएगा, माइनस प्लस x by 2 माइनस का 1, तो यहां पे आ जाएगा quotient प्लस remainder upon divisor, क्वेश्चन कितना 1 by 2 प्लस रिमाइंडर कितना x by 2 माइनस का 1 होल अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का x dx इंटीग्रल, 1 by 2 आउटसाइड 1 का इंटीग्रेशन, एलसीएम लोगे तो 1 by 2 बाहर, ये आ जाए x माइनस 2 होल अपॉन x कॉमन करें 2x माइनस का 1 dx, 1 by 2 1 का x plus 1 by 2, अब इसको partial fraction से solve करना पड़ेगा, x into 2x minus का 1 whole dx, इसको बोल देते हैं बेटा हम लोग equation number 1, इसको let कर लेते हैं equation number 1, अब इसको हम लोग अलग तरीके से solve कर लेते हैं जैसे हम सब करते हैं इन questions में, तो ये आएगा हमारा x minus 2 whole upon x into 2x minus 1 a upon x plus b upon 2x minus 1, तो एलसीएम जब लेंगे तो बड़ा डिनोमिनेटर तो हट ही जाएगा, a into 2x minus 1 plus bx, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके फैक्टर जो हम लोगों ने किए वो पुट कर दे, जैसे 2x minus 1, देखिए अगर उस तरीके से आप करेंगे जहां पर हम लोग कोफिशिएंट को कंपेयर करते तो आप डेफिनेटली ये मान के चलिए कि उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और ये जो मेथड मैं सिखा रहा हूं ये वैलिड भी है और इजी भी है, तो यहां से x वैल्यू क्या आएगी 1/2, तो x वैल्यू 1/2 पुट कर दें, 1/2 -2 यानी कि माइनस का 3/2, ये 0 हो जाएगा, b/2 2 से 2 कैंसिल यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, इसके बाद x की वैल्यू आएगी हमारी 0, 0 पुट करेंगे तो माइनस का 2, यहां पुट करेंगे तो माइनस का a, इस तरीके से a की वैल्यू हमारी आ गई 2, a और b की वैल्यू आ चुकी है, इन दोनों को हम लोग यहां पुट कर दें तो 2 अपॉन x इंटीग्रल dx प्लस माइनस का 3 बाहर इंटीग्रल 1 अपॉन 2x माइनस 1 dx, 2 आउटसाइड आएगा, 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा log x माइनस का 3 log of
मॉड 2x माइनस 1 x का कोफिशिएंट जो भी उससे डिवाइड यानी कि 2 से डिवाइड प्लस का c। इस डेटा को हम लोग जाकर के यहां पे पुट कर दे 1/2 में, 1/2 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा हमारा 1/2x 1/2 से मल्टीप्लाई यानी कि log ऑफ मॉड x माइनस 3/4 log ऑफ 2x माइनस 1 प्लस का सी। नोट कर लीजिए यही आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट करिए इसको जल्दी से। तो मेरे ख्याल से आज जितना भी हम लोग ये कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन आपको डिटेल में समझ में आ रहा होगा और ये बहुत स्पेशल टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे क्वेश्चन आते हर साल जरूर है। अब जैसे इसकी बात करें तो एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इसको ऐसे लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3 इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब जब एलसीएम लेने के बाद बचेगा वो आएगा एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहां पे जो फैक्टर आपको दिख रहे हैं उन फैक्टर वाइज वैल्यूज को पुट कर लेते हैं 1 2 3। तो सबसे पहले तो एक बार x इक्वल टू 1 पुट करना है तो इधर तो 1 आ जाएगा। अच्छा देखिए x माइनस 1 यहां जाओगे तो 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा 0 0 हो गया हमारा। a 1 माइनस 2 आ जाएगा माइनस 1 तो ये आ जाएगा माइनस 2 a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। एक बार x स्क्वायर हम लोग 2 पुट कर लेते हैं यहां आएगा 2 ये 0 लास्ट वाला 0 ये बचेगा तो b 2 माइनस 1 1 और ये आएगा माइनस 1 तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 2 x इक्वल टू 3 3 आएगा फर्स्ट 0 सेकंड 0 थर्ड वाले में आ जाओ c 3 माइनस 1 आ जाएगा 2 और 3 माइनस 2 आ जाएगा 1 तो 2 से 2 कैंसिल तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। a b c के तीनों की वैल्यू आ चुकी है। इस a b c की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। देखिए इसको इंटीग्रेट करना टफ है लेकिन जब हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया तो स्प्लिट करने के बाद इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा क्योंकि लीनियर है और लीनियर को तो मैंने बता ही रखा है 1 upon x का क्या हो जाएगा log x और लीनियर को तो वैसे भी डायरेक्ट करना है बस x का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है तो आ जाएगा 1 upon 2 इंटीग्रल 1 upon x minus 1 dx minus 2 upon x minus 2 dx plus 1 upon x minus 3 dx। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 1 by 2 ये हो जाएगा log of mod x minus 1 minus का 2 log mod of x minus 2 plus log of mod x minus 3 और साथ में क्या ऐड हो जाएगा प्लस का c। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको खुद से ट्राई करना है बिल्कुल सेम एज इट इज है। अरे बेटे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं जो इसकी नेक्स्ट क्लास करेंगे आप ये मान कर चलिए उसमें सबसे स्पेशल क्वेश्चन होगा थोड़ा सा ये होगा इसी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड लेकिन जो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो बहुत यूनिक होंगे तो बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, वेट करिएगा नेक्स्ट लेक्चर का, जैसे ही अपलोड होगा आप उसको तुरंत फॉलो करिएगा। बहुत स्पेशल कंटेंट लेकर के आएंगे हम उसमें आपके लिए और बोर्ड्स ने हर साल उस पार्ट्स यानी कि लेक्चर नंबर 12 से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का मिलेगा डेफिनेटली आप ये देखेंगे और स्पेशल है भी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि क्वेश्चन ये है इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे कि ये x स्क्वायर प्लस 1 है ये नॉन फैक्टराइजेबल इसके फैक्टर तो होंगे नहीं नॉन फैक्टराइजेबल है ये वाला पार्ट यहां पे इस वाले पार्ट के फैक्टर नहीं हो रहे नॉन फैक्टराइजेबल
हाँ इसमें थोड़ा सा एफर्ट्स आपको अलग करने पड़ेंगे। ये आएगा वन, ए वन का स्क्वायर आएगा वन प्लस वन, बाकी तो जीरो हो जाएंगे, तो ए की वैल्यू आप क्या हो जाएगी वन बाई टू। अच्छा एक चीज और, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, ये थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में बताया। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो क्यों रख दिया, एक्स तो है ही फैक्टर। तो मैं आपको बताऊं इससे होता क्या है कि अगर कभी भी एक्स इक्वल टू जीरो आप पुट करेंगे तो इसे कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर हो जाते हैं। क्या कंपेयर हो जाए, कॉन्स्टेंट टर्म। क्या आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा ए, ये जीरो माइनस का सी, तो सी और ए क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी वन बाई टू। इसके बाद अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बी को निकालने के लिए। अब बी को निकालने के लिए जब कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर अब आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो हम लोग कर लेते कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बाय बाय, टेक केयर।